सो अभी बज गए 5:30 और अभी हमें सनसेट के लिए ये जंगल का इंटीरियर रूट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा बेस है और यहाँ से लेफ्ट ले गए तो जंगल की और अंदर जाएगा। अभी शाम का वक्त है तो शायद कोई जानवर देखने को मिल सकता है, ऐसा बोल रहे प्रताप भाई। तो देखते हैं आगे कोई अच्छी जगह मिली जहाँ पे हाइना वाइना या लेपर्ड मिल जाए। एकदम घना जंगल प्रताप भाई, चौमासा में तो एकदम जबरदस्त ग्रीनरी है सर। वाटरफॉल भी चलता जाए वो यहाँ से कई बाजू सीधा आरस तो कई बाजू जाए। ત્યાં દોયેલું તાજું તાજું થોડું એક ગ્લાસ આપણે પીએ પછી કોઈ ચેકપોસ્ટ આવે અહીંયાથી ચાલુ થતું હતું, અત્યાર સુધી તો ગામ હતું કે ગામ, અભી તક તો ગામ થા, અબ શરૂ હોગા ફોરેસ્ટ ઓર યહાં પે અભી શામ કા વક્ત હૈ તો જંગલી એનિમલ્સ વગેરા હૈ વો પાણી પીને કે લિયે શાયદ બહાર નિકલતે હૈ તો યે ટાઈમ પે હમે દેખને કો મિલ સકતે હૈ હાયના યા તો લેપર્ડ ઓર કોન સે જાનવર રહેતે પ્રતાપ ભાઈ? નીલગાય છે, રીંછ છે, નીલગાય રીંછ वो अलग अलग टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं इधर, तो देखते हैं कुछ मिल जाते हैं तो देख लेंगे। बाकी रास्ता बहुत ही मज़ेदार है, सबसे बेस्ट पार्क कि अभी कोई पब्लिक आई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, तो जो मज़ा है ना बॉस वो अलग ही लेवल का है। अभी एकदम घनघोर जैसे अंधेरा हो गया, दिखा सामने और जंगल। अभी बारिश नहीं है फिर भी इतना जबरदस्त माहौल है, जब बारिश होगी तब तो नेक्स्ट लेवल होगा। ऑफ रोडिंग का फुल मजा अभी लिया जा रहा है। मजेदार कच्चा फुल मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अभी तो मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि अगले मॉनसून में यहाँ पे आना अपना फाइनल है। अच्छा खासा चढ़ गए हम, उतारी लाऊ उतारी लाऊ वीडियो प्रॉब्लम नहीं ना कहीं ना मन भी प्रॉब्लम नहीं सनसेट भी है। हाँ सनसेट जो तो रहता है बाहर ना बाहर से बाहर से तो उतारी लाऊ व्लॉगिंग करूँ तो उतारी ली तो बोल ही लेते अभी प्रताप भाई की नज़र इतनी तेज़ है कि उन्होंने अंदर झाड़ियों में नीलगाय देख ली, अगर वो नहीं देख पाते तो हमें देखने को नहीं मिलती। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं खाई के और यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है और प्रताप भाई ने बताया कि आगे जो पीछे जो रास्ता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर देखे जाते हैं, तो वो क्रॉस करके हम आगे आ गए हैं और यहाँ पर सनसेट हो रहा है और यहाँ पर जो नज़ारा है सामने ये देव डैम है और वहाँ पे है पावगढ़, सामने देव डैम है देव डैम और ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो पावगढ़ है जो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और मंदिर है। हम कल जाने का सोच रहे थे पर कल संडे है इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहेगी तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी कल कैसा माहौल बनता है। बाकी यहाँ से जो व्यू है वो अल्टीमेट जबरदस्त, एकदम टाइम सर पहुंच गए। ये पूरा और यहाँ पे है गाड़ी।
सनसेट देख के निकल गए हैं। मेरा और प्रताप भाई का तो रुकने का प्लान था थोड़ा और, पर अंजू को लेपड़ का डर लग रहा था, तो हम अभी रात को जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं। पूरा घनघोर जंगल है, आगे सिर्फ गाड़ी की लाइट का रास्ता दिखा रही है, वैसे ही आगे चल रहे हैं। आते वक्त तो जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें सनसेट देखना था, पर जाते वक्त अब हमें सुबह तक कोई काम है नहीं, तो हम पूरा जंगल एक्सप्लोर करके जाएंगे। अभी सामने प्रताप भाई लाइट मार रहे हैं, अभी एक दो किसी की आंखें चमक रही थी, शायद कोई जानवर होगा, नीलगाय होगी या लेपड़ होगा पता नहीं, पर ऐसे लाइट मार के पता चलता है कि कौन सा जानवर कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है पता नहीं, पूरा जंगल एरिया है तो क्या पता कोई चीज़ हो पी लेवल। और रात को वैसे किसी को अलाउड नहीं है, पर अपने पास थे प्रताप भाई, तो उन्होंने अंदर जंगल का रास्ता ढूंढ निकाला है नया, तो यही रास्ते पे आगे चलते हैं और जंगल के और अंदर जा रहे हैं हम, और ये कहाँ निकलता है देखते हैं जंगल, अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो वापस हो जाएंगे, वरना यही रास्ते पे आगे चलते रहेंगे। खतरनाक अंधार हो गई है, लाइट बंद करके चलो। नहीं ग्लास ले लिया नहीं जा, तो हम आके हुए काम के बाद भाट भाट में आ गया देना का एक फरिया, तो अभी हम आ गए भाट में, और यहाँ पे मुझे कब से पीना था भैंस का एकदम ताजा दूध, जो पहले गांव में पिया करता था, आज मौका मिला भैंस का ताज़ा दूध पीने का, तो ये गांव वाले का बहुत धन्यवाद जो आज मौका दे दिया दूध पीने का। और ऐसे लीटर यू बोलते हैं ना, लीटर यू क्या है ना, पाँच सौ वाड़ू 500 ग्राम मिली का है, तो ये जो है उसमें से दूध जो गांव अभी भैंस का ताज़ा दूध होगा ना, बिल्कुल ताज़ा दूध है, तो अभी मैं पीऊँगा ताज़ा दूध, लाओ ताज़ा अभी निकाला एकदम गरम गरम गर्मा गर्म एकदम ताजू भैंस नु ताजू दूध निकला है। जबरदस्त, बस एक ग्लास। तो जो भैंस के दूध में जो मजा है बॉस एकदम, उसमें फैट ज्यादा रहता है ना भैंस के दूध में, फैट ज्यादा रहता है। वो कब से डांट रही है उसको क्यों छोड़ी है कई गाय नु दूध कई भैंस नु दूध पीधु आनु ये खबर नहीं मेहसाणी भैंस क्या तो अभी हम वापस अपने बेस पे आ गए हैं, तो राजेश भाई और प्रताप भाई के गाइडेंस पे हमने और अंदर जंगल में एक्सप्लोर किया, और प्रताप भाई के कारण भैंस का ताजा दूध पीने को मिल गया। और प्रताप भाई कैसा लगा मेरे साथ, मजा आया? तो अभी यहाँ पे खाना बन रहा है, वार से के बनी यू चालू है, तो फ्रेश हो जाते हैं फिर वापस आते हैं खाना खाने के लिए। सो अभी बज गए हैं 9 और हमने खाना वाना खा लिया है, और यहाँ पे हमने बॉनफायर किया हुआ है, और फिर कल का प्लान शायद हम वडोदरा की तरफ जाएंगे, या तो फिर हम तरगोड़ या तो फिर बर्ड सेंचुरी वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं कल पता चलेगा कौन सी तरफ जाते हैं, मुड़ के ऊपर है, अभी तो ये एंजॉय करके सोने के लिए जाते हैं फिर। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह के लिए।